हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे थे वो सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ़ ए बी सी एंड डी आर एनी सेट देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। जहाँ फ्रेंड्स जो क्रॉस है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले ही वीडियोज में डिफाइन कर चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो या यहाँ से देख लीजिए। अगर x एंड y टू सेट हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा x क्रॉस y, वो इस तरह से x y डिफाइन होता है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू x होता है एंड y बिलोंग्स टू y होता है। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमें प्रूव करना है ये, तो इसको प्रूव करते हैं। लेट x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन C क्रॉस T। ये हमने सपोज कर लिया कि जो एक्स वाई है कोई इसका स्पॉन्ट है, वो जो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में है, मतलब इसमें सी क्रॉस डी में है। तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं हम फ्रेंड्स। तो यहाँ से एम्प्लाई करेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। अब फ्रेंड्स यहाँ से ही हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, ए क्रॉस बी है, तो उनमें पहला जो सेट होगा वो ए का होगा, दूसरा होगा वो बी का होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। और साथ में ये एंड एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स जो ये एंड है वो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला वो एंड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है और साथ ही एक्स बिलोंग्स टू सी कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी एक यहाँ लिख सकते हैं एंड, और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एक्स वाई जो होगा वो बिलोंग्स टू करेगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये जो ए क्रॉस हमने ये जो लिया था, हाँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, सो ए इंटर क्रॉस बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये फ्रेंड्स प्रूव हो गया हमारे पास।